ये मंच के नजदीक भेजे हम तुम्हारे साथ हैं। क्या क्या हुआ बिल्कुल ही कोई इग्नोर किया जाता है, बस ये है और कुछ नहीं। इंडिपेंडेंट पार्टी लड़ सकती हूँ मैं। कोई गल नहीं, कोई गल नहीं, जो अभी देख रहे हैं चंडीगढ़ बहुत छोटा शहर है, लेकिन जब पहली बार आप आई थी तब वो शहर है सारे देश में जो पर कैपिटा सबसे। मेरे भाई बहन जितने इतने बैठे हैं, मैं हर कोने कोने में जाकर आया हूँ, हर जगह पर हमें इतना उत्साह मिला है, हजारों के लोग मेरी रैली अटेंड करते रहे हैं, उसके बराबर कांग्रेस और भाजपा का चुनाव भी नहीं उठ पाया है, लेकिन इन कुछ अखबारों ने पैकेज शुरू किया हुआ है 7 लाख 8 लाख 10 लाख का कि हम जितनी मर्जी खबर जवानी हो हम छापेंगे। इस मंच से मैं उन अखबार वालों को ये बता देना चाहूंगा, हम चुनाव हार जाना पसंद करेंगे, लेकिन इस तरह की गंदी और ब्लैकमेल के आगे नहीं झुकेंगे। जनता जानती है अखबार कुछ भी लिखे, अखबार वाले कुछ भी लिखो, हम ये कहते हैं जनता में दिलों में हम जाएंगे। जब अखबार आपका सुबह छप कर आएगा और इतनी बड़ी रैली का जिक्र एक छोटे से करोगे तो यही लोग तंग आकर कहेंगे आप अपनी विश्वसनीयता खो रहे हैं, आप खोइए, ये चुनाव हम जीतेंगे। मीडिया ने उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ था असेंबली का, सारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सारे अखबार वालों ने ये कहा था कि बहन जी नहीं जीत रही, हर असेंबली होगी, लेकिन बहन जी लोगों के दिलों में राज करती हैं और अपने बल बोते पर जीत कर आई और सरकार बनी। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र के कोने कोने से आए हुए बीएसपी के समर्थकों, अनुयायियों एवं शुभचिंतकों, आज आप लोग बीएसपी उम्मीदवार श्री हरमोहन धवन के समर्थन में मुझे सुनने के लिए भारी संख्या में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, इसके लिए मैं आप सब लोगों का हार्दिक दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। और अब मैं आप लोगों का ध्यान इस समय देश में 15वीं लोकसभा के लिए हो रहे आम चुनाव को लेकर वो जरूरी बातों की तरफ दिलाना चाहती हूँ, जिसके तहत आपके चंडीगढ़ में भी लोकसभा के लिए आम चुनाव हो रहा है। और इस बारे में सबसे पहले मैं आप लोगों को ये अवगत कराना चाहती हूँ कि हमारी पार्टी ने इस चुनाव में पूरे देश में जिन जिन राज्यों में भी हमारा संगठन खड़ा हुआ है, हमने वहाँ अपनी पार्टी के उम्मीदवार चुनाव के मैदान में उतारे हैं। लेकिन ये चुनाव हमारी पार्टी अकेले अपने बलबूते पर पूरे देश में तैयारी के साथ लड़ रही है।